केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था। अप्रैल 2024 में एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि भारत का पहला 8 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे अप्रैल 2024 तक पूरा हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे यानी कि NH-48 पर दबाव कम हो जाएगा। 9000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा 34 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे हरियाणा में 18.9 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी में 10.1 किलोमीटर को कवर करते हुए पिलर्स पर बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे NH-48 पर शिव मूर्ति से शुरू होगा और खैर की डोला टोल प्लाजा पर खत्म होगा। इसमें फ्लाईओवर, टनल, अंडरपास, ग्रेट रोड और एलिवेटेड रोड के साथ साथ 4 लेवल के रोड नेटवर्क शामिल हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 3 लेन की सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे में एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ITS सुविधा शामिल होगी जो परिवहन अनुभव को बढ़ाएगी। मंत्री ने आगे बताया कि देश की सबसे चौड़ी 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग इस एक्सप्रेसवे पर बनाई जा रही है जिससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली के बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क में सुधार होगा। एक्सप्रेसवे द्वारका से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने में मदद करेगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद एक्सप्रेसवे को द्वारका के सेक्टर 25 में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर के साथ जोड़ा जाएगा। ये हरसरू के पास पटौदी रोड यानी कि SH-26 और बसई के पास फरुखनगर यानी SH-15A को काटेगा और भरथल में गुरुग्राम सेक्टर 88B और UER-2 के पास दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन को भी पार करेगा। एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से स्वचालित टोलिंग प्रणाली होगी जिसमें वाहनों को GPS से जोड़ा जाएगा और दूरी की गणना के बाद टोल टैक्स सीधे बैंक खाते से काट लिया जाएगा। गडकरी ने यह भी बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एफिल टावर में इस्तेमाल होने वाले स्टील से 30 गुना ज्यादा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किए गए कंक्रीट से 6 गुना ज्यादा है। देश में पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर 12,000 पेड़ लगाए गए हैं।